हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा हॉल वीडियो। मैंने कुछ बैग परचेज किए हैं जो कि हैं स्लिंग बैग, हैंड बैग एंड बैग पैक, जो कि मैंने लिए हैं मिंत्रा से। मैंने कुछ बैग काफ़ी टाइम पहले लिए थे एंड कुछ लेटेस्ट लिए हैं जो कि मैं शो करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में मिंत्रा से खरीदे हुए हैंड बैग या भी बैग पैक या भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइट। सो आज का मेरा वीडियो है रिलेटेड है मिंत्रा हॉल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाती हूँ मैं आपको आज का पहला बैग कि वो कैसा है। तो देखते रहिए मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा एफर्ट्स और मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी लेटेस्ट एंड स्मार्ट वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड, ये है मेरा आज का वो पहला हैंड बैग जो कि मैंने लिया है मिंत्रा से। ये बैग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस। ये अराउंड मुझे 65% ऑफ पर मिला है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2199 रुपीज़, बट ये बैग मुझे ओनली 600 में मिंत्रा से मिला है। आप देख सकते हो ये बैग कितना ज़्यादा प्रिटी है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। एक्चुअल में ये कलर मेरा फेवरेट है। मैंने अमेजोन से भी कुछ इसी कलर का बैग परचेज़ किया था। अब मैंने मिंत्रा से भी इस तरह का ये बैग परचेज़ किया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है और ये बिल्कुल ही अलग है। ये देख सकते हैं आप इस बैग की क्वालिटी भी ऑसम है। अगर बात करूँ मैं इसकी जिप की तो इसकी जिप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अंदर से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसका स्लिंग है और ये स्लिंग अभी मैंने ओपन नहीं किया है, लेकिन जैसा कि ये स्लिंग बना हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है इसका स्लिंग। ठीक है, इसे हम अटैच करके चाहे तो हैंड बैग की तरह इसे कैरी कर सकते हैं और चाहे तो स्लिंग बैग की तरह कैरी कर सकते हैं। ओनली 600 रुपीज़ में ये जो बैग है मुझे इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, और ये प्रॉपर एक ब्रांडेड बैग है, ऐसा नहीं है कि ये लोकल है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। तो इस बैग को तो मैं कैरी करने वाली हूँ। आई लव दिस बैग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वन जो मेरे बैग है वो भी मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है। वो लेजिकर हैंड बैग है, सॉरी स्लिंग बैग है, लेकिन वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर साइट्स। मैंने यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मुझे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे लगे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा बैग है। मुझे कुछ इस टाइप के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लुक देते हैं। अगर स्पेशली ये आपकी सैंडल्स के साथ मैच होते हैं या फिर आपके टी शर्ट या फिर जीन्स के साथ मैच करके अगर आप इन्हें कैरी करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है और बहुत ही ज़्यादा अलग लगते हैं। तो ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लीची का ये बैग है और देखिए इसके अंदर दो कंपार्टमेंट हमें मोबाइल फ़ोन और वॉलेट रखने के लिए दिए गए हैं। इसके साथ एक जिप है, इसके अंदर स्पेस अच्छा खासा है। आप अगर कॉलेज गोइंग हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकती हो, अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत है एज ए ऑफिस के लिए जाना है या फिर ट्रैवल के लिए जाना है तो आप तब भी इस बैग को यूज़ कर सकती हो। मुझे भी ये बैग भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बैग ऐसा है कि आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, ये कहीं से ख़राब नहीं होने वाला है। तो मैं आपको इसे रिकमेंड करेंगे अगर आप एक ऐसा बैग लेना चाहते हैं जो एक ही बैग हो, आपकी सारी ड्रेसेस के साथ चले और आपको बहुत ज़्यादा हैंड बैग परचेज़ करने की ज़रूरत ना लगती हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप इसको परचेज कर सकते हो, सारे आउटफिट के साथ जाएगा और कॉस्ट भी इसकी कम है। अराउंड मुझे ये 600 में पड़ा है, तो जो कि वर्थ है मुझे ठीक लगा। ये भी मुझे डिस्काउंट पे मिला है तो मुझे ये बैग अच्छा लगा। थर्ड वन जो मैं आपको बैग दिखाने जा रही हूँ वो भी मैंने मिंत्रा से लिया है। वो बैग भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये है वो बैग। ये बैग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हो। और ये बैग भी ऐसा ही है कि अगर आपको कोई एक या दो ही बैग कैरी करने हैं जिसमें आपका सारा सामान आ जाए और काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो तो ये बैग बहुत ही अच्छा है। ये एक बैकपैक है, बैग से ये देखिए इसके ये जो स्ट्रैप दिए हुए, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो।
बैक साइड भी इसके एक जिप दिया हुआ है, अंदर साइड भी अच्छा स्पेस है, इसमें आप वाटर बॉटल इवन अपना लैपटॉप, छोटा लैपटॉप अगर आपके पास है तो वो भी कैरी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, मेकअप हो गया, कॉम्ब हो गया या फिर ट्रैवल के लिए यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तो इसको यूज़ करती आ रही हूँ। इवन मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप मिंत्रा से प्रोडक्ट ले सकते हो, खास करके बैग्स, हैंडबैग। और अगर आपको फैशन के लिए नहीं, यूज़ के लिए बेसिकली बैग चाहिए जो कि मजबूत हो, टिकाऊ हो, तो आप ले सकते हो। क्योंकि ये मेरा तीसरा बैग है, ये भी बैग मुझे अच्छा लगा, इवन मैंने यूज़ किया है, उसके बाद में ये रिव्यू कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका प्राइस भी अराउंड ये 700 के अंदर ही है, जो कि मैं मेंशन कर दूंगी। अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी एक स्लिंग बैग है, वो भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया है। ये मेरा 4th1 बैग है, आप देख सकते हो। ये बैग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक कुछ बैग्स ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि उनमें कुछ भी ना रखो, खाली उसी को टांग लो तो आपके शोल्डर में दर्द होने लगता है। ये बैग की क्वालिटी मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये लाइट वेटेड है। और ये बैग भी मुझे काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ा था, ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला है। जो रेट्स मुझे मिले हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आप देख सकते हैं बैक साइड इसका, ये जो जिपर है, ये देखिए इसकी क्वालिटी। एंड इसके अंदर एक और दो और ये तीन कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। बैग मैंने यूज़ किया हुआ है, ये बैग भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि ये बैग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें सामान भी ज़्यादा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं लगते हैं, मीडियम साइज़ के बैग हैं। एंड क्वालिटी देखी जाए एज़ कम्पेयर टू अदर्स तो मुझे अच्छे लगे ये, क्योंकि ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आप इसको कॉलेज या फिर ऑफिस या फिर ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बैग ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा, तो ये बैग को भी मैं 10 out of 10 दूँगी, मुझे अच्छा लगा। अब देखते हैं आपको कैसा लगा। बैग दिखाने जा रही हूँ, लास्ट बैग है ये बैग, देखिए इसको भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। ये बैग भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी हैंडी है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ क्योंकि मैं अब हॉल वीडियोज़ बना रही हूँ, दैट्स वाई मुझे लगा कि ये बैग भी मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर, इवन मेरे पास ये बैग अराउंड 2 years से होगा। और यूजली मैं इसको ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ग्रे आउटफिट ज़्यादा पसंद है, ग्रे सैंडल्स भी रहती है मेरे पास, तो ये बैग मैं यूजली कैरी करती हूँ। मुझे ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका स्पेस भी अच्छा है, इसमें आप अच्छा खासा सामान भर सकते हो। इसके साथ ही इसके जो जिप है या फिर जो स्लिंग की क्वालिटी है, आप खुद ही देख सकते हो, इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरी अदर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बैग को कैरी भी किया हुआ है, तो ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी जिप की क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने इसमें स्टफ खुद ही भर के रखा हुआ है ताकि मेरा ये बैग ख़राब ना हो, क्योंकि मैं बैग लवर हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी कोई भी चीज़ ख़राब हो। तो ये बैग को मैं कैरी भी अच्छे से करती हूँ और रखती भी उसे बहुत संभाल के हूँ। तो मुझे ये बैग और मिंत्रा के बैग की इवन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, मैं सिर्फ आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी, नो डाउट मीशो या फिर अमेजोन या भी कोई अदर साइट हो, वो भी आपको अच्छे सामान दे रहे हैं, कम रेट्स पर दे रहे हैं, लाइक उनका 200, 300, 400 तक में आपको अच्छे बैग्स मिल जाएंगे। बट अगर आप, मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास क्वांटिटी नहीं, उन्हें सिर्फ क्वालिटी चाहिए हो, लाइक उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर आउटफिट के ऊपर जा करके बैग चेंज करें, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मिंत्रा से जा कर के प्रोडक्ट को या फिर हैंडबैग परचेज कर सकते हो। एक दो अच्छे हैंडबैग आप अगर परचेज कर लेंगे वहाँ से तो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए वो चलेगा और अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो
वीडियो को, ताकि मुझे एक हौसला मिलता रहे आप लोग की साइड से इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। बेसिकली अगर कोई अच्छे रिव्यू और सही रिव्यू करता है तो आपको एक सही प्रोडक्ट की सही नॉलेज होती है। तो नो डाउट जो भी प्रोडक्ट मुझे सीरियसली अच्छे लगते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।